राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब 1100 पेड़ काटे जाने पर आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया और बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल दिल्ली में 1100 पेड़ काटे जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि कुछ घरों को बचाने के लिए DDA ने दिल्ली LG के आदेश पर चुपचाप पेड़ काट दिए। अगर इस एरिया में एक भी पेड़ काटा जा रहा है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। इसी को लेकर दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ ने आम आदमी पार्टी से करोल बाग विधायक विशेष रवि से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट LG को कई बार फटकार लगा चुका है और सख्ती बरत चुका है, परंतु अब तक भी पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों के बिजली बिल बढ़कर आने वाली सवाल पर भी जवाब दिया। सुनिए विधायक विशेष रवि ने क्या कहा। राजधानी दिल्ली में 1100 पेड़ काटे गए हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। इस पर हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए करोल बाग से विधायक विशेष रवि जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह से पेड़ 1100 काटे गए हैं। देखिए, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इसको जो है लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से जो है इस मामले को लिया है, और कई बारी दिल्ली के LG महोदय को जो है फटकार भी लगाई है। सीधे सीधे कहा है कि इसके अंदर जो है LG साहब जो है लिप्त है इस मामले में। दिल्ली एक तरफ जहां प्रदूषण से बेहाल है, लोगों की सांस में समस्या है, लोगों को जो है दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण से समस्या है, दूसरी तरफ LG साहब जो है वो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण से की रोकथाम के लिए लगाए गए पेड़ हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको जो है कटवा रहे हैं, वो भी इलीगली कटवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और हमने ये प्रदर्शन जो है वो सिम्बॉलिकली किया है आज कि LG साहब दोषी हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। पेड़ों को जो कटे गए हैं, बीजेपी लगातार इसको लेके आरोप गोपाल है अरविंद केजरीवाल पे लगा रही है। वो डॉक्यूमेंट दिखा रही है कि उस पर अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय के सिग्नेचर है, जिसकी वजह से पेड़ काटे गए हैं। देखिए, जहाँ ये पेड़ कटे हैं वो DDA का लैंड है। अब DDA के लैंड में गोपाल राय जी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के हैं, जब सब जानते हैं कि DDA के अंदर जो है या DDA किसी भी कार्रवाई के अंदर दिल्ली सरकार का कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं है, तो फिर संभव कैसे है कि उनके साइन हो जाएंगे इसके अंदर। एक तरह से आप पेड़ों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी लगातार बिजली पानी को लेकर प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर। बिजली के बिलों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, और हमारे जो बिजली मंत्री हैं उन्होंने इसको स्पष्ट भी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो किसी के बिल बढ़ के आए होंगे तो वो जो है वो क्योंकि गर्मी का मौसम है, हर घर में जो है हर चीज जो घंटा भर इस्तेमाल होती थी वो 2 घंटे इस्तेमाल हो रही है, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से कहीं 1-2% जो है बिल हो सकता है किसी का बढ़ गया हो। अदरवाइज जो बिलों में बढ़ोतरी रेट में बढ़ोतरी की बात है वो सच नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए था, हमारे साथ बात करने के करोल बाग से विधायक विशेष रवि, जिनका साफ तौर पर कहना था जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबियत खराब हो रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं साजिश कर रही है अरविंद केजरीवाल की जान लेने में। MK न्यूज के लिए दिल्ली से शुभ से